नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कोविड 19 की वजह से बिहार में विधानसभा का चुनाव प्रतिबंधों के बीच संपन्न होगा, इस बात को अब सबने मान लिया है। नीतीश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए अब डिजिटली लोगों के बीच जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं उन सभी को अब डिजिटल के माध्यम से लोगों के बीच जाने की सलाह नीतीश कुमार ने दी है। पिछले छह दिनों से लगातार नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे थे, सुझाव ले रहे थे, रायशुमारी कर रहे थे कि किस तरीके से इस बार जनता के बीच अपनी बातों को रखा जाए, जिसमें से ये बताया गया है कि अब सभी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है कि उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और फेसबुक पेज बनाना है। इसके माध्यम से वो लोगों से कनेक्ट होंगे। खास बात ये बताई गई है कि 18 से 24 वर्षीय यानी कि जो युवा वोटर्स यानी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान जदयू का होगा। किस तरीके से उन्हें अपने पाले में लाया जाए, किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाया जाए, इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश जदयू की तरफ से की गई है। और इसी वजह से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको फेसबुक पेज बनाने की सलाह जो है वो दी गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि आप फेसबुक पेज पर लाइव भी आएंगे और अब एक कार्यक्रम भी बनाया गया है। आपको बता दें कि हर संडे को जितने भी कार्यकर्ता हैं जदयू के वो सब फेसबुक के माध्यम से लाइव आएंगे, वैसे लोगों से जुड़ेंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और सबसे ज़्यादा जो युवा वोटर्स हैं उनको ये बताने की कोशिश होगी कि बिहार की पहले क्या हालात थे, जब नीतीश कुमार ने सत्ता की बागडोर को संभाला था उस वक्त बिहार किस हालात से गुजर रहा था, कितना पिछड़ा हुआ था, वहाँ से उठाकर बिहार को कितने ऊपर तक नीतीश कुमार ले गए हैं, क्या कुछ नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है, इसकी जानकारी जो है खासकर उन युवाओं को दी जाएगी, जिसके बारे में पहले भी मंत्री संजय झा ने बताया था। कल ही जब ये मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग के बाद उन्होंने पहली टिप्पणी में ही ये बताया था कि जो युवा वोटर्स हैं उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है, उन लोगों को ये बताना है कि कैसे बिहार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में अब चुनावी मोड में बिल्कुल जदयू आ चुका है और अब वर्चुअली यानी कि डिजिटल के माध्यम से लोगों के बीच जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब देखना होगा कि संडे को जब कार्यकर्ता लाइव आते हैं तो किस तरीके का जो है नज़ारा देखने को मिलता है और किस कैसे और कौन कौन सी बातें वो लोगों के बीच रखते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।